दिल्ली सरकार एक तरफ लगातार 24 घंटे पानी सप्लाई की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मई में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा वार्ड 218 सुंदर नगरी में 272 परिवारों पर पानी का संकट मंडरा रहा है। यहाँ के लोगों को सरकार मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है पिछले 15 दिनों से कीचड़ और गंदगी मिला पानी आ रहा है। उस पानी को पीना तो दूर, नहाना धोना भी मुश्किल है। जिसको पीने से बच्चे बूढ़े तो क्या नौजवान भी बीमार पड़ रहे हैं। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद गुलफाम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट के सीमापुरी विधानसभा स्थित वार्ड 218 सुंदर नगरी के ब्लॉक MCD फ्लैट में, जहां पर आज हमारी ये भीड़ आप पीछे देख सकते हैं, यहां पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। इनका मानना है कि जब से हमने खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन किया है, तब से आज तक हमको पानी में पीने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इन्होंने बताया कि जो पानी हमारे नल में और टोटी में आ रहा है, वो पानी भी कहीं ना कहीं दूषित है, जिसको पीने के बाद यहाँ की जनता बीमार पड़ सकती है। लेकिन हम भी अपना विश्लेषण करने के लिए इस वार्ड में आए हैं और जानेंगे आखिरकार ये मामला क्या है और यहाँ की जनता का क्या है मुद्दा। तो कैमरा पर्सन से चाहूँगा वो मेरे साथ आए और आने के बाद हम इस जनता का पॉइंट ऑफ व्यू सीधा लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये हुजूम इकट्ठा हुआ है, इनका आज कहना है कि इनके यहाँ पर पानी नहीं आया, और यदि कोई पानी आया भी है तो वह पानी इतना दूषित है जिसे पीने के बाद यहाँ के बुज़ुर्ग बच्चे तो क्या नौजवान लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। तो चलिए सीधा जान लेते हैं और इस जनता से पूछ लेते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये मानते हैं। और यहाँ पर जो ये भीड़, एक बहुत बड़ी जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है, इधर मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाएं कि यहाँ पर ये महिलाएं भी हैं, तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हाथ में इन्होंने पानी की बोतल ले रखी है। तो यहाँ पर कुछ नौजवान लोग हैं, तो इधर की साइड देखें तो यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका कहना है कि जब से हमने भारतीय जनता पार्टी को खुले मंच से समर्थन किया है, तब से हमारे यहाँ पर पानी की क्वालिटी बिल्कुल घटिया कर दी गई है और पानी इतना दूषित पिलाया जा रहा है कि बूढ़े और बच्चे तो क्या नौजवान भी बीमार पड़ जाएं। तो चलिए जान लेते हैं सीधा यहाँ की जनता से, और हमारे बीच में एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। अंकल, क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत है? इस पानी को पीने नहा नहीं सकते जी, और तो पार्कों की समस्या ये तो इतनी है कि इसमें हम चुत्ता टेक के बैठ नहीं सकते। मेरी पानी को लेकर जो मेन समस्या है वो क्या है, कब से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? कम से कम 15 दिन से। अच्छा, 15 दिन से आप इस पानी हाँ, की प्रॉब्लम हाँ, फेस कर रहे हैं। हाँ, तो पानी कैसा आ रहा है, मतलब पीने का क्या है? पानी खाना खाने के बाद हाथ नहीं धो सकते। अच्छा, तो फिर पानी कहाँ से पी रहे हैं आप लोग? हम तो खरीद के पीते हैं। पानी खरीदते हो? पर डे कितना पानी लगता है आपका? लगभग 100 रुपये का लोग जाता है। 100 रुपये का पर डे पानी आप खरीदते हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं जो सरकार फ्री बिजली और पानी के नाम पर आई थी, आज वही पानी इन लोगों को बाजार से खरीद कर पीना पड़ रहा है, जो कि एक बड़ी बात है। लेकिन हम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, कुछ युवा हैं। सर, क्या लगता है आपको? सर, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सर, जब से पता चला कि जो ना यहाँ की जो BJP के कार्यकर्ता है, तो जब से जो ना दिल्ली सरकार ने यहाँ का पानी बिल्कुल बंद कर दिया, और पानी इतना घटिया है कि आदमी उससे जो है ना हाथ नहीं धो सकता, बहुत बदबूदार, बहुत गंदा पानी। कम से कम 1 महीना हो गया पानी नहीं दे रही दिल्ली सरकार। सब ढोकले हैं इनके, जो ना फालतू जो ना ढकोसले हैं, जो ना दिल्ली सरकार जो ना गिर गई, जो ना दिल्ली सरकार कई MCD फ्लैट वालों को तो एक व्यवहार उनके साथ में ऐसा किया जा रहा है जैसा कोई एक जो ना ये यहाँ के नागरिक नहीं है हिंदुस्तान। अच्छा, एक बात बताइए सर,
जो पानी है वो टैंकर से भी भेजा जाता है क्या? यहाँ टैंकर नहीं आते? टैंकर सर जो ना 2-3 दिन में आता है, एक टैंकर आ गया, नहीं तो कुछ नहीं है। यहाँ से कोई नहीं देख रहा कि यहाँ से जो ना, ये भी MCD फ्लैट वाले एक आदमी यहाँ रह रहे हैं कि भारतीय है ये भी, बाकी हमारे साथ में बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। तो हमारे साथ में गलत व्यवहार हो रहा है क्योंकि हम किसी एक पार्टी को खुले मन से समर्थन कर चुके हैं, हालांकि ये कितनी सच्चाई है और कितना इसके अंदर झूठ है ये भी आने वाले समय में पता लगेगा। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि ये महिलाएं हैं, ये पानी लेकर अपने हाथ में खड़ी हैं, और मैं चाहूँगा कि इस पानी को भी दिखाएं, ये पानी कितना दूषित है, क्या इस पानी को पी सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा सोनी। उषा सोनी, माता जी ये पानी कब से इस तरीके का आ रहा है? ये 2 महीने हो गए हमारे यहाँ। अच्छा। ये पानी इतना गंदा आ रहा है कि ना सकते ना पी सकते, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है। अब टैंकर में भी कब तक खींचेंगे पानी, हम बीमार हो जाएंगे पानी खींच खींच के। तो पानी पीने के लिए कैसे अपना व्यवस्था? ये सप्लाई का आ रहा है, वो जो बेचने वाले आते हैं, पहले 20 रुपए की दे रहे थे, अब 30-40 रुपए की बोतल दे रहे हैं। 30 से 40 रुपए की एक बोतल पानी की वो देते हैं। हम कहाँ से खरीदेंगे इतना गरीब आदमी? पानी तो आना चाहिए ना, पानी तो है ही नहीं यहाँ। बाहर पानी है, सारी कॉलोनी में आ रहा, हमारी कॉलोनी में पानी क्यों नहीं आ रहा, हमें इसका जवाब चाहिए। तो ये टैंकर जो है, टैंकर नहीं आते? नहीं भाई, टैंकर एक बात बताओ, टैंकर आएगा, इतनी भीड़ हो जाती है तो कैसे पानी भरेंगे? आधे आधे लोग नौकरी करते हैं, पानी मिल नहीं पाता, कैसे होएगा? हमारे को तो ये हो रहा है कि पानी, हमारे को घर घर में पानी चाहिए हमारे को। तो ये जो है वो MCD क्वार्टर है, ये वो महिलाएं हैं जो पूरी की पूरी दिल्ली को साफ करने का काम करती हैं, लेकिन जब पूरे दिन ये दिल्ली की सड़कों को साफ करके अपने घर आती हैं और इनको इस तपती हुई गर्मी में प्यास लगती है, तो नल से अगर कुछ इन्हें मिलता है तो वो दूषित पानी है। उसके बावजूद जब इनको अपनी प्यास बुझानी होती है तो ये लोग बाज़ार से 40 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। क्या इनको पानी पीने का अधिकार नहीं है? इनका सीधा सवाल सरकार से है। मैम, क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, हाँ। किस तरीके की प्रॉब्लम फेस हो रही है? ये पानी की हो रही है, 2 महीने हो गए हमारे फ्लैटों में पानी नहीं आ रहा है। अब काम धंधे से आते, वो आता टैंकर, 2-3 दिन में पानी नहीं भर पाते, पानी इतना गंदा पानी आ रहा है, ये देखो इसको पिए मरे, क्या करें इस पानी को? ये जो पानी आया है, ये जो पानी आपका जो है, ये पानी उस लाइन में जो पीने वाली सप्लाई की लाइन में। कैमरा पर्सन से चाहूंगा एक बार आकर इस पानी को दिखाएं, ये आप देख सकते हैं, ये वो पानी है जो सप्लाई में पीने को। हम तो बीमार हो रहे हैं इस पानी पी पी के, पैसे है नहीं, पैसे दे के जाओ जब गंदा पानी है तो। एक बोतल तो आपने इसकी शिकायत किससे लगाई अभी तो? अभी आपको ही बुलाया है, किससे लगाई शिकायत? जो नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, पानी भेजने वाले होते हैं, उनसे शिकायत नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा यहाँ, वोटों के टाइम पे आएंगे, इस टाइम कोई नहीं आ रहा, इस टाइम तो कोई आया जी? क्या भी नहीं आई, वो तो यहाँ से जीत के गई, एक दिन भी नहीं देखा उसने आके कि पार्क कैसा है, नाली कैसी है, झाड़ू वाली आती है नहीं आती है, पानी आता नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे, ये बताओ आप है? ये गंदा पानी भी सड़ा हुआ, वो जीन वाले यहाँ से जीत के गई, उन्होंने एक दिन भी आके नहीं देखा पार्क इतना सुंदर बनेगा, पार्क में दुनिया भर का वो हो रहा का बाड़ा, देख लो क्या हाल हो रहा, मंदिर का हाल देख लो, हमारे का क्या नाम है, कुछ नहीं है, झाड़ू वाली वो तक तो आती नहीं है यहाँ पे, टैंक का पानी हम ड्यूटी पे जाओ हम पानी भरे, ये बताओ आप, बीमार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इन महिलाओं का कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है, और हो भी, क्योंकि पानी एक मौलिक अधिकार है, पानी एक ऐसी चीज है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है, और अगर वही पानी दूषित हो जाए तो फिर अभी एक माता जी ने बताया कि हमारे पेट में दर्द हो जाता है, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं इस पानी को पीने के बाद, कितनी बड़ी बात है। डॉक्टरों के पास यहाँ पर लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पानी को लेकर जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, ये बड़ी बात है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित जीनवाल है और मैं दलित विकास संगठन के कार्य हूँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार चंडालिया, और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं
श्री जेपी वर्मा जी। ठीक है, वो मैंने समझ लिया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चिंडालिया और प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है सर, जब से हमने राजस्थान के डिप्टी सीएम जी का उनका सम्मान करा हमने यहाँ पे, तो उन्होंने जैसे ही हमने उनका समर्थन दिया तो जो हमारी दिल्ली सरकार है उन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार शुरू कर दिया कि हमारा जल ही बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता है जल ही जीवन है, जब जल ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम बाहर जाते हैं सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, कोई बेचारा कितनी मेहनत करता है, आता है घर पे पानी नहीं मिलता उसको। आपने इसकी शिकायत किस किस से लगाई? शिकायत तो सर दिल्ली जल बोर्ड के पास भी लिखित रूप में हमारे जेपी वर्मा के द्वारा शिकायत भेजी गई है, लेकिन उसका कोई भी उसका रिएक्शन नहीं हुआ, कोई रिजल्ट लिया ही नहीं उन्होंने। देखो हमारी माताएं बहनें कितनी परेशान है, हम खुद परेशान हैं पानी के लिए, अब बताओ क्या करें? जल बोर्ड के कुछ अधिकारी होते हैं, अधिशासी अभियंता होते हैं, कनिष्ठ अभियंता होते हैं, सहायक अभियंता होते हैं, क्या उन लोगों से संपर्क साधा? संपर्क तो सर पूरा है, हम देखो ये हमारे जेपी वर्मा जी है और हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, ये इकट्ठे होके भी दिल्ली जल बोर्ड गए थे, ये हमारे ताहिरपुर में दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, उसमें भी जाके शिकायत दर्ज करी है, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जी हम बहुत पीड़ित हो रहे हैं बस एक तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं राजनीति से ग्रस्त है? बिल्कुल सर, ऊपर से ऑर्डर आता है तो तभी वो एक्शन लेते हैं। अच्छा खासा पानी आ रहा था प्रोग्राम से पहले, जब से हमने उनको समर्थन दिया तब से पानी आना बंद हो गया, क्या करें बताइए? समर्थन ना दें मर जाएं क्या हम, बताइए? नहीं, वोट अपना मौलिक अधिकार है, हम वोट किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन विकास वोट के नाम पर नहीं, विकास जो होता है वो समस्त जनता और पूरे क्षेत्र और पूरे वार्ड का विकास होना चाहिए। ये अपना वोट है, वो अपना अधिकार है, हम किसी को भी दे सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है और मैं दलित विकास संगठन से कार्य करता हूँ, और हमारे लोग साफ के जो हैं संजय कुमार चिंडालिया जी है और दिल्ली प्रदेश हमारे मतलब जो वर्मा जी है, और हमारी मुद्दा यही है जब से हमने यहाँ पर मतलब डिप्टी सीएम राजस्थान को बुला के हमने समर्थन दिया खुले मन से, जब से हमारा पानी हमारा मतलब जो दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है वो बिल्कुल काट दिया गया, और पानी काटने का कारण क्या है, बिल्कुल गंदा पानी आता है, बिल्कुल नल से अगर ये तो कीचड़ आता है बिल्कुल, जिससे हमारे बच्चे बुजुर्ग माता बहनें सभी बीमार पड़ रही है, और हमने जाके मतलब जो है ताहिरपुर में जो इनका ऑफिस है हमने वहाँ पर कंप्लेंट भी दी है अपने राज्य जेपी वर्मा के माध्यम से, तो उन्होंने हमारी सुनवाई करते हैं, आश्वासन देते हैं और कार्य नहीं करते हुए, जब से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, और हम चाहते हैं कि हमारा पानी सुधारा जाए और इसको राजनीति मुद्दे से ना जोड़ा जाए। चलिए ठीक है, राजनीति के मुद्दे से ना जोड़ा जाए, राजनीति के मुद्दे से ना जोड़ा जाए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और हाँ जी, क्या नाम है भैया? जी जयवीर जी है जी। क्या लगता है भैया ये पानी की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? जी पानी की समस्या ये हो रही है, दो तीन बार भेजा था इन्होंने टैंक, उसके बाद टैंक नहीं आया, फिर खारा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, इंसान कब तक पियेंगे? हो मोल का पैसों को ले के पी रहे हैं, यानी कि पानी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल दूषित है। हाँ जी बेकार है। मोल का पानी कितना पीते हैं पर डे? मोल का पानी पी लेते हैं दो दो तीन तीन कैन लेके तो कहाँ तक, इतना कैन कितने की होती है? 30-40 रुपए की पड़ रही है, यानी 100 रुपए पर डे का पानी। 100 रुपए पर डे। हाँ जी। अच्छा वर्मा जी, एक बात जानना चाहूंगा कि ये जो के ब्लॉक MCD फ्लैट है इसमें टोटल कितने बेड है और कितने परिवार रहते हैं? इसमें 14 बेड़े हैं जी, और 272 परिवार हैं। 272 परिवार हैं, और वो परिवार को आज पानी बाजार से लेकर खरीद कर पीना पड़ रहा है, ऐसा है या पानी आता है सरकार की ओर? नहीं, पानी तो बिल्कुल नहीं दे जा रहा सही, और ये ऐसा हुआ कि ये तो आपको पता ही है कि एक ही संगठन यहाँ पर भारत में नंबर वन पे है, दलित समाज विकास संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार चिंडालिया जी हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, और इधर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा मैं ही हूँ। जैसे ही यहाँ से खबर जाती है मैं तुरंत जाता हूँ ताहिरपुर में गया जल बोर्ड में, तो वहाँ पे मनोज जीनवाल मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। कौन था मनोज जीनवाल? कौन है ये? वहाँ पर कोई वर्कर है, वहाँ पर कोई जेई का पाठ अदा करते हैं, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि टैंकर जाएगा। कल परसों से टैंकर उन्होंने नहीं भेजा और झूठे को कह दिया कि टैंकर जा रहा है, और हमने जो है ये रिकॉर्ड भी दे रखे हैं, एप्लीकेशन भी हैं जेई साहब को, इन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आपने शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शिकायत कब दर्ज कराई? ये लगभग 3 दिन हो गए।
अच्छा, 3 दिन आपको शिकायत दिए हुए हो गई, 3 दिन से पानी आपके पास नहीं पहुंचा। हाँ जी, ऐसा लगता है कि अगर कहीं शादी प्रोग्राम में इनको पैसे मिल जाए ना तो वहाँ टैंकर भेज देंगे, लेकिन यहाँ पर जिनको जरूरत है उनको टैंकर नहीं आ रहे। नहीं, क्या नाम बताया था आपने उसका? मनोज जीनवाल। हाँ जी, उनसे आपकी बात हुई? मेरी बात हुई, संजय भाई साहब की भी बात हुई, आश्वासन दे दिया कि टैंकर जाएगा, लेकिन टैंकर नहीं आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जनता है, जनता का ओपिनियन है, और जनता स्पष्ट बोल रही है कि हमारे यहाँ पर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक और भारत सरकार और केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो वहीं दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, हमने जब से मनोज तिवारी को समर्थन किया है, तब से हमें 2 महीने से पानी हमें नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब से समर्थन हमने दिया है तब से हमारे पानी को पूर्णतः से रोक दिया गया है और हमारे पानी को दूषित करके भेजा जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये झूठ है, इसका खुलासा कल हम सीधा दिल्ली के जल बोर्ड के अधिकारियों से बात करके अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे और जानेंगे आखिरकार इनके साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या इन लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है? एक और जल ही जीवन की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन लोगों का जल ही काट देते हैं। खैर बहरहाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कैमरा पर्सन आरिफ सिद्दीकी के साथ मैं मोहम्मद गुल्फा। तो जैसा कि लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली के वार्ड 218 सुंदर नगरी की खबरें दिखा रहे हैं, जिसमें के ब्लॉक एमसीडी फ्लैट के 14 बेड़ों में पानी स्वच्छ ना आना एक मुद्दा बना हुआ है और यहां की जनता इस दूषित पानी को पीकर लगातार बीमार पड़ रही है, ऐसा कहना एमसीडी फ्लैटों के नागरिकों का है। लेकिन इस पर पूरी चर्चा करने के लिए आज हम जल बोर्ड के उस दफ्तर में खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो जल बोर्ड का ऑफिस दिखाएं। इस दफ्तर में खड़े हुए हैं हम और यहाँ पर जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उनसे हमने संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन बताया गया कि आज बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण अवकाश है। वही हमने सहायक अभियंता जल बोर्ड अभियंता का कहना के मन में किस तरीके का मामला ही आया। तो अब देखना यह है कि 272 परिवारों को दूषित पानी यदि पहुंच रहा है और उसकी जानकारी जल बोर्ड के सहायक अभियंता को नहीं है, लेकिन लगातार हमारी नज़रें इस खबर पर बनी रहेगी और जब तक उन 272 परिवारों को शुद्ध और स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी खबर लगातार चलाते रहेंगे और अधिकारियों से इस पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कैमरा पर्सन आरिफ सिद्दीकी के साथ मैं मोहम्मद गुलफाम।